गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेटियोर 350 के फायरबॉल और सुपरनोवा वर्जन के बारे में, कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या प्राइस का डिफरेंस है। मैं सारी बातें करेंगे और हम कंफ्यूज रहते हैं कि फायरबॉल लें या सुपरनोवा लें। सो आपकी सारी कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। मेरा नाम है संदीप कैंथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। लेट्स गेट स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो दोस्तों। ये दोनों बाइक्स आपके सामने खड़ी हैं दोस्तों। ये यहाँ पे खड़ा है फायरबॉल का ब्लैक कलर जो कि कस्टम में आता है दोस्तों, और यहाँ पे खड़ा है सुपरनोवा का ब्लू कलर दोस्तों। सो दोनों का सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। फायरबॉल ब्लैक कलर है ये दोस्तों, ऑन रोड पड़ता है 239,400 दोस्तों, जो कि ऑन रोड है। और ये जो कलर है दोस्तों सुपरनोवा ब्लू का, ये ऑन रोड पड़ता है 255,600 दोस्तों। सो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 16,000 का डिफरेंस है। और अगर हम बात करें कि वैसे जो फायरबॉल का डिफरेंस होता है फायरबॉल और सुपरनोवा का, वो डिफरेंस होता है तकरीबन 18,000 के आसपास। ये वाला कलर 2,000 रुपया महंगा है, मतलब नॉर्मल कलर से जो कि येलो रेड होते हैं। सो दोस्तों हम बात करते हैं फ्रेम टू फ्रेम की दोनों गाड़ियों में डिफरेंस क्या है, दोस्तों। सो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसके व्हील से। तो आप व्हील देख सकते हो, ये फायरबॉल के व्हील्स हैं। आप देख सकते हो इसमें भी ट्यूबलेस टायर्स आते हैं और आपके सामने हैं जो इसके व्हील्स हैं वो ब्लैक में आते हैं टोटली। सो इसका टायर भी 100/90 का आता है जो कि 19 inches का है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सुपरनोवा के व्हील्स के बारे में। आप देख सकते हो जो अलॉय व्हील्स हैं, यहाँ पे क्रोमिंग का टच दिया हुआ है दोस्तों, वो टोटली ब्लैक में है और इसमें क्रोमिंग मिल जाती है आपको दोस्तों। और दोनों के टायर सेम है जो आप देख सकते हो सुपरनोवा और फायरबॉल के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके फ्रंट की। तो फ्रंट आप देखोगे यहाँ पे जो है वो नेकड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंडशील्ड लगी है दोस्तों, और जो कि ये इसमें कंपनी फिटेड ही आती है दोस्तों। हालांकि आप अगर अलग से लगवाना चाहो तो फायरबॉल वर्जन में लगवा सकते हो, छोटी वाली भी और बड़े वाली भी, दो तरह की विंडशील्ड आती हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके इंडिकेटर्स की। तो अगर फायरबॉल की आप बात करो तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स में ब्लैक कलर का टच दिया हुआ है दोस्तों, और अगर हम बात करें सुपरनोवा की तो यहाँ पर क्रोम का टच दिया हुआ है आप देख सकते हो। और सेकेंड हम दोस्तों बात करते हैं इसके हैंडल बार की। तो हैंडल बार जो है जो फायरबॉल वर्जन है उसमें आपको सभी में आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है, और जो इसके साइड ग्लासेस हैं वो भी आपको ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। और बात करें हम सुपरनोवा की तो सुपरनोवा में आपको क्रोम का आपको हैंडल बार मिल जाता है, और क्रोम के इसको आप देख सकते हो इसमें आपको मिरर मिल जाते हैं दोस्तों। बाकी बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम ही आपको नेविगेशन सिस्टम सेम आपको डिट्टो मिल जाता है जो कि फायरबॉल और सुपरनोवा में सेम मिल जाता है दोस्तों। और बात करें हम यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो सस्पेंशन है उसके ऊपर जो टच दिया हुआ है ये क्रोम में दिया हुआ है, इसमें ब्लैक में मिल जाता है दोस्तों। सो ये इसलिए है बिकॉज फायरबॉल में जितने भी आपको टच मिलेगा वो आपको ब्लैक में मिलेगा, और ये जो सुपरनोवा महंगा इसलिए है बिकॉज इसमें क्रोम में मिलता है दोस्तों। सो बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों इसके जो आप देख सकते हो जो इसके साइलेंसर है, और ये सारा ब्लैक टच में दिया हुआ है आप देख सकते हो, आगे से नीचे तक आप देख सकते हो पूरा जो है वो ब्लैक टच में दिया हुआ है। और हम बात करेंगे यहाँ पे सुपरनोवा की तो सुपरनोवा में आप देख सकते हो सारा क्रोम में दिया हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक सारा का सारा जो साइलेंसर और बैंड है वो सारा क्रोम में दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो कैप है ये क्रोम में है, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये ब्लैक कलर में दिया हुआ है दोस्तों फायरबॉल में। सो अब हम बात करते हैं दोस्तों फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक आप देख सकते हो जो आप फायरबॉल में देखोगे ये सारा प्लेन ब्लैक में मिल जाएगा आपको, या प्लेन रेड में या प्लेन येलो में मिलेगा, और इसमें जो रॉयल एनफील्ड के लोगो हैं वो 3D में मिल जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों सुपरनोवा की तो सुपरनोवा में आपको ड्यूल टोन कलर मिल जाता है, आप देख सकते हो ये ड्यूल टोन है, यहाँ पे भी ड्यूल टोन है, और इसका जो दोस्तों लोगो है रॉयल एनफील्ड का ये बहुत ही अच्छा लग रहा है जो कि क्रोम में मिल रहा है दोस्तों, बिकॉज सुपरनोवा का जो बेस है वो क्रोम में है। सो क्रोम का टच दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसकी सीट्स की। तो सीट कलर जो है इसमें ब्राउन कलर का मिल जाता है, और अगर हम बात करें फायरबॉल की तो ब्लैक में मिलेगा। हालांकि इसमें राइडर लो राइडर सीट लगी हुई है, लेकिन
थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा दोस्तों आपको। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसका जो बैक रेस्ट है, आप देख सकते हो सुपरनोवा में आपको बैक रेस्ट जो है वो कंपनी फिटेड मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे फायरबॉल में यहाँ पे ग्रैब रेल मिल जाती है दोस्तों, यहाँ पे बैक रेस्ट कंपनी से नहीं आती, जो कि आपको अलग से लगवानी पड़ती है, आप एक्सेसरीज में आप लगवा सकते हो दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों दोनों के इंजन की, तो दोनों में ही जो है वो 350cc का J1 सीरीज का इंजन आता है दोस्तों, और जो कि 20.2 bhp क्रिएट करता है और 27 nm की इसकी टॉर्क है, और डबल क्रेडल जो है इसकी चेसी आ जाती है, आप देख सकते हो दोनों में ही सेम है इंजन और चेसी, ठीक है, बाकी फंक्शन का कोई फ़र्क नहीं है आप देख सकते हो। तो मेजर डिफरेंस और कोई भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको सिटी राइड करनी है और अगर आपको एक मॉडर्न लुक चाहिए तो आप फायरबॉल का वर्जन ले सकते हो, अगर आपको क्रोम पसंद है तो आप जो है ये आप मेटियोर का सुपरनोवा वर्जन ले सकते हो। इसमें जैसे विंडशील्ड मिल जाती है, बैक रेस्ट मिल जाती है और क्रोमिंग मिल जाती है। सो दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली 18,000 है। सो 2022 में अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों ही बाइक अच्छे हैं, बाकी डिपेंड करता है आपको कौन सी लुक पसंद आती है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।